स्टेट्समध्ये टॉप 20 प्लेयर्स ऑलमोस्ट सगळ्यांना परिचय आहेत की एक्झाम्पल फॉर एक्झाम्पल तुम्ही महाराष्ट्रामध्ये असाल तर कृष्णा सातपुते, उस्मान पटेल आहे, अंकुर सिंग आहेत, हे टॉप प्लेयर्स आहेत. तसं प्रत्येक स्टेट्समध्ये चांगले प्लेयर घेऊन आम्ही प्लॅटफॉर्म दिला आहे. बाकीच्या लीग जसं सरांनी सांगितलं, विजय सरांनी, की आज सुप्रीमो असेल, रत्नागिरी चॅम्पियन ट्रॉफी असेल किंवा स्वर्गीय रतनभाऊ असेल, इथे एक आपण फॉर एक्झाम्पल माझ्याकडे चांगला फायनान्स आहे, मी माझी टॉप वर्ल्ड इलेवन काढून मी खेळू शकतो. कारण एखाद्या संघामध्ये महाराष्ट्राचे प्लेयर असतात, वेस्ट बंगालचे असतात, असे मिक्स करून ते टीम खेळली जाते. पण स्टेट लेवल त्यामुळे कसं एक प्रॉपर सपोर्ट नाही. आता आपण स्टेट लेवल खेळतो त्यामुळे एक प्रॉपर स्टेटचा सपोर्ट पण मिळणार, म्हणजे जिद्द असते ना ती खेळायची ती आपल्याला दिसून येईल असं मला वाटतं. टोटल 8 संघ आहेत. ॲक्च्युली कसं होतं की महाराष्ट्र खूप वास्ट आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये खूप मोठ्या म्हणजे मॅक्झिमम प्लेयर्स आहेत, त्यामुळे आपण महाराष्ट्राला 2 संघ दिलेले आहेत आणि एक पंजाब हरियाणा मिळून एक संघ बनवलेला आहे आणि वेस्ट बंगाल एक संघ आहे, MP आणि एक झारखंड मिळून संघ आहे, अशा पण टोटल 10 स्टेट्स आहेत. Yeah, so even my cricketing career started playing tennis ball cricket when I was 8. In fact, I played for Dr. Shetty's team, the Payadi Club, and I was the only girl amongst the boys there. So yeah, I think that and even gully cricket, a lot of gully cricket. So somewhere tennis ball cricket has always had a special place in my heart. And not just me, but I think every cricketer has played tennis ball cricket and then went on to make it big. So I think what you learn over here, it's very different. You don't necessarily get to learn it playing season ball cricket. So yeah, the experience is great. Santosh aur unki puri team ko main full support karta hu ki cricket, any form of cricket, definitely I'll be supporting them. And tennis ball cricket, jaisa Jimmy ma'am ne kaha ki shuruaat mein sab log tennis ball cricket se hi upar aaye hain, kyunki cricket ball ki jo facility hai, wicket ya stadium ya ground khelne, sabko ye nahi hote upyog, sab log ko chance nahi milta hai. तो सब लोग और ज़्यादा करके गर्ल्स क्रिकेट तो कंपाउंड से गली से टेनिस बॉल क्रिकेट से शुरू होती है. और टेनिस बॉल क्रिकेट हमारे जो क्रिकेट असली क्रिकेट की जड़ है, स्टार्ट तो उधर से ही होती है. तो मैं तो कोई भी फॉर्म ऑफ क्रिकेट हो तो सपोर्ट करूँगा ही. और वह जैसे संतोष मेरा अच्छे दोस्त है तो उसको सपोर्ट करने के लिए मैं आया हूँ बस. पहली बार तो टेनिस बॉल में ऐसे कोई क्लबिंग नहीं है, तो मैंने शेट्टी सर से कहा था कि रिक्वेस्ट की थी कि आने वाले समय में टेनिस बॉल क्रिकेट नेशनल लेवल पर जाना चाहिए और उसके लिए कोई एसोसिएशन होनी चाहिए फॉर्म बॉडी. तो देखते हैं, अगर शेट्टी सर अगर आगे बढ़ के इंटरेस्ट ले तो पॉसिबल है. अभी कैसे बड़ा टूर्नामेंट जो होता है वो बॉम्बे में ज़्यादातर होता है, पूना में कम से कम होता है. लेकिन अभी पूना में ये टूर्नामेंट करने का है तो स्टेडियम अपने इधर अवेलेबल बारामती में है, तो उधर इसका पूरा नियोजन कर चुके हैं. भी उसके लिए पब्लिक का जब फर्स्ट पोस्टर लॉन्च हुआ उस टाइम से पब्लिक एक्साइटेड है देखने के लिए, क्योंकि ये जो है वो ग्रामीण एरिया है पूरा, वहाँ लोकल प्लेयर्स दिखने को मिलते हैं. लेकिन अभी ऑल इंडिया के प्लेयर उधर आने वाले हैं, उनको देखने के लिए अभी पब्लिक के मन में बहुत क्यूरियोसिटी. फॉर एग्जाम्पल कैसे होता है कि आज IPL चल रहा है तो बहुत लोगों की कैपेसिटी नहीं है कि स्टेडियम में जाके देखें. तो अगर आप देखोगे तो डेली 22,000-25,000 पीपल ग्राउंड पे आएंगे और वही IPL का रोमांच उनको टेनिस में देखने के लिए मिलेगा. मैक्सिमम जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो ओपन में जो टूर्नामेंट होते हैं, जैसे संतोष ने कहा कि सपोज कोई दो टीम के पास बहुत बड़े फाइनेंशियल या बैकर हैं तो ऐसी वर्ल्ड लेवल की टीम बना लेंगे कि दूसरी 14 टीम या 12 टीम जो होती है वो उतना कम्पीट नहीं कर पाती है. पर ये नेशनल टेनिस बॉल लीग का एक फॉर्मेट है कि जो स्टेट के आप प्लेयर हो आपको उसी स्टेट की तरफ से खेलना होगा, आप दूसरी टीम में नहीं खेल सकते. आप चाहे कितने भी बड़े प्लेयर हो, अगर वेस्ट बंगाल का कोई स्टार प्लेयर है तो उसको वेस्ट बंगाल को ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, वो दूसरे स्टेट में नहीं खेल सकता. तो ये टेनिस बॉल क्रिकेट में पहली बार ऐसा होने जा रहा है. अदरवाइज हम देखते हैं कि मिक्स एंड मैच टीम बनती है, 2-4 टीमें इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती हैं और कुछ टीमें कुछ कमज़ोर हो जाती हैं. तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा इंडिया में हो रहा है कि आप अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करोगे, तो इसीलिए हम बहुत एक्साइटेड भी हैं कि देखने के लिए. और मेरा ये मानना है कि जो स्टेट्स के प्लेयर जहाँ खेलेंगे, और अभी हम जैसे यूट्यूब में देखते हैं मैक्सिमम टूर्नामेंट्स में कि ऑन एन एवरेज 20,000-30,000 व्यूवर्स लाइव रहते हैं, तो मेरा खुद का ये मानना है कि इसमें मिनिमम 50,000 व्यूवर्स हर मैच में ही लाइव रहेंगे, क्योंकि उनका स्टेट्स का प्लेयर खेल रहा है और उनको सपोर्ट भी भरपूर मिलेगा. सर, यहाँ पर सबसे बड़ा इनाम यही है कि हमारी सोच ऐसी है कि टेनिस क्रिकेट को लोकल कहा जाए, प्लीज़ इसे हम चेंज करना चाहते हैं.
ये ऑलरेडी एक स्टारडम के क्लियरेंस में जा रहा है कि नहीं, टेनिस जो क्रिकेट खेल रहे वो लोग भी टाइम है और वो लोग भी एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं खुद का या एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे पहुंच सकते हैं जहां पे लोगों को इंस्पायर कर सके या अदर टेनिस क्रिकेट को इंस्पायर कर सके, जिनका बच्चा शायद सीजन ना खेल पाया या कोई भी चीज़ की वजह से कारण से ना खेल पाया, इसका मतलब ये नहीं कि टेनिस खेल रहा तो वो लोकल हो गया। तो ये सोच हमें बदलनी कि आज शायद 8 स्टेट खेल रहे हैं, नेक्स्ट ईयर हम लोग कोशिश करें 12-16 या एक टेनिस क्रिकेट का पूरा एंटायर जो फॉर्मेट है वो चेंज करने का हम लोग का प्लानिंग है कि एटलीस्ट एक दिन IPL की तरह छोटा सा एक टूर्नामेंट हम भी ऑर्गेनाइज कर सकें। तो इसी की ये पहली शुरुआत है। बेसिकली टूर्नामेंट है 6 ओवर का फॉर्मेट है जो लीग्स मैचेस है और उसके बाद सेकेंड स्टेज पे 7 या 8 ओवर का मैचेस होगा। एक बॉलर मिनिमम 2 ओवर कर सकता है। अभी धीरे इसके बाद हम लोग फॉर्मेट डिक्लेयर करेंगे। ऑफकोर्स यहाँ पर आप देखा जाए कि जो टोटल नो IPL टाइप टोटल 24 कैमराज ग्राउंड पे लगने वाले हैं। सो इसमें हर टीम के लिए एक रिव्यू होगा, वो अपने हिसाब से वो रिव्यू ले सकता है।